नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार को रफ्तार देने के लिए केंद्र और बिहार सरकार द्वारा मिलकर एक नई परियोजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत 4 एक्सप्रेसवे निर्माण होने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार की व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाने की तरफ ये सरकार द्वारा एक नई पहल है, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनने के बाद बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी आगे तक जाएगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद दक्षिण बिहार सीधा नेपाल से जुड़ जाएगा। बिहार में जल्द ही 189 किलोमीटर लंबे आसाम दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बक्सर में चल रहे धार्मिक आयोजन में शामिल होने 14 बिहार आ रहे हैं, जहां वो बिहार के कई महत्वपूर्ण सड़क व पुल प्रोजेक्ट का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमंत्री ये चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस शिलान्यास उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। वहीं आपको बता दें कि नितिन गडकरी बक्सर के पूर्वांचल एक्सप्रेस को बिहार से जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट पर इस एक्सप्रेसवे को बनाने की लागत को लेकर बताते हुए कहा है कि इसकी लागत अमूमन 618 करोड़ रुपए है। वैसे इस प्रोजेक्ट के तहत अभी आरा के कायम नगर के समीप बाईपास का निर्माण शेष है। बात की जाए इस एक्सप्रेसवे के रूट की तो यह 189 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली कोलकाता NH-19 पर स्थित औरंगाबाद जिले के आसाम से शुरू होगा। वहीं अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली सहित 7 जिलों को पार करते हुए दरभंगा जिले के नवादा गाँव में NH-27 तक जाएगा। इस परियोजना का भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है और इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाएगा। NHAI के 3 कंस्ट्रक्शन कंपनियों को टेंडर अलॉट भी कर दिया गया है। रिपोर्ट की माने तो NHAI ने इस परियोजना को 2024 तक पूरा करने का समय सीमा निर्धारित किया है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के पूरे होने के बाद यह उत्तर भारत एवं उत्तर दक्षिण बिहार को 4 घंटे से कम यात्रा समय के साथ जोड़ने के साथ NHAI ने इस परियोजना को 2024 तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के पूरा होने के बाद यह उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को महज 4 घंटे से भी कम यात्रा समय के साथ जोड़ा जाएगा। NHAI ने इस एक्सप्रेस को NH-119D के रूप में अधिसूचित भी किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।